नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गांव से लेकर शहर तक की हर एक खबर पर नजर डालेंगे कुछ फटाफट अंदाज में। त्रिपुरा के धलाई जिले में बीएसएफ के 3 कैंप कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन्हें सील कर दिया गया है। यहां शनिवार को 40 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए थे। एक फ्रेंच हैकर ने भारत की कोरोना ट्रैकिंग मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु ऐप में एक खामी का दावा किया है, जिसकी वजह से 9 करोड़ यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में है। इस दावे पर आरोग्य सेतु ऐप ने स्टेटमेंट जारी किया है। राजस्थान में गति से फैल रहा कोरोना वायरस अब कहर ढाने लग गया है। प्रदेश में मंगलवार को एक ही दिन में 1 दर्जन मौतें दर्ज की गयी। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक मौतों का आंकड़ा 89 तक। वही 97 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और अब संख्या 3158 तक जा पहुंची है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के SC रोहित कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के कारण 12 लोगों की मौत दर्ज की गई। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढ़ने के बीच खबर आ रही है कि सीएम हाउस के ड्राइवर भी अब कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जोधपुर के बाद पाली में भी कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ने के बीच अरावली की वादियों से अच्छी खबर आई। यहां मादा पैंथर ने शावकों को जन्म दिया है। पैंथर ने प्रजनन के लिए रणकपुर क्षेत्र के एक निर्माणधीन होटल को चुना है, जहां लॉकडाउन के कारण निर्माण बंद करवाया था। हालांकि वन विभाग ने यहां ट्रैप कैमरा लगा दिए हैं ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके। सेडवा उपखंड मुख्यालय के राजस्व गांव खारी में इस कोरोना जैसी विकट स्थिति में भगवान ने भी अपना रूप दिखा दिया। महेंद्र पुनिया खारी ने बताया कि बारिश के साथ बहुत नुकसानदायक तूफान तथा ओले गिरे, जिससे काफी घरों में मकानों पत्थरे उड़े तथा हजारों रुपए का नुकसान हुआ। जयपुर मानव सेवा टीम द्वारा लॉकडाउन के दौरान 30 मार्च से जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। 5 से 1000 लोगों को खाना सहित मास्क व फल भी वितरित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ड्यूटी निभा रहे पुलिस कर्मियों के लिए दोपहर के समय चाय, पानी व बिस्कुट की सेवा भी प्रदान कर रही हैं। जयपुर के सांगानेर सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर विधानसभा विधायक अशोक लाहौची के नेतृत्व में प्रताप नगर में मास्क, सैनिटाइजर, राशन सामग्री वितरित की गई। इस उपलक्ष में भाजपा कार्यकर्ता व नारी संगम संस्थान के अध्यक्ष पुनीता शर्मा ने भी कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर सामग्री वितरित की। भोपालगंज के बिरानी गाँव में झोपड़ी में लगी आग, घर का सामान जलकर हुआ राख। गनमित रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सामाजिक कार्यकर्ता अमृतलाल देवड़ा ने बताया कि चौकीदारों की ढाणी में किशोर पुत्र गोकुलधाम के घर में सौर ऊर्जा लाइट से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे अचानक आग लग गई। जोधपुर के तिवरी में हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप की ओर से पक्षियों के लिए पानी की सुविधा मुहैया करवाने को लेकर 101 परिंदे बांधे गए। परिंदे बांधने की शुरुआत तिवरी तहसीलदार दीपक सांखला ने की। इसके बाद ग्रुप के सदस्यों ने पेड़ों पर परिंदे बांधे। सूरतगढ़ में लॉकडाउन में मिली छूट, लोग घरों से बिना मास्क के ही बाजार में निकल पड़े। लॉकडाउन 3 के तहत ग्रीन जोन में छूट क्या मिली कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना व मास्क की अनिवार्यता को हल्के में लेकर लोग घरों से निकल पड़े। कल मंगलवार को SDM मनोज कुमार मीणा, DSP विद्या प्रकाश व CI राम कुमार लेघा ने सरकारी एडवाइजरी की पालना के लिए शहर का निरीक्षण किया। एडवाइजरी की अवहेलना करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की व जुर्माना वसूला। जोधपुर में लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 700 से पार पहुंच गया। इसके बावजूद गांव में लापरवाही खुलेआम देखी जा सकती है। लॉकडाउन में सरकार ने हल्की छूट क्या दी, सारी दुकानें खुल गई। लगता है किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। मथानिया में चिड़िया चहके आंगन महके अभियान के तहत संकल्प सेवा समिति मथानिया के सदस्यों ने आगामी भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों को राहत देने के लिए पानी के 51 परिंदे लगाए। समिति के सदस्य कमल किशोर ढागा ने बताया कि जल ही जीवन है। करौली में 12 गांव बिडरवास गुजर किसानों द्वारा कोरोना आपदा के दौरान 100 क्विंटल सब्जी व 251 क्विंटल अनाज गरीब एवं मजदूर लोगों की सहायता हेतु दान किया गया। यह किसान PM केयर फंड में 21,000 रूपए भी जमा करा चुके। करौली के सामान्य चिकित्सालय में नर्सिंग अधीक्षक मोहनलाल की प्रेरणा से समाज सेवी बबलू शुक्ला ने इस आपदा में कार्य कर रहे इन सफाई सैनिकों को पुष्प माला पहनाने के साथ
मुसाफिर की उड़ाकर व सैनिटाइजर भेंट कर सम्मान किया। करौली में मंगलवार को हिंडौन सिटी के कछावा पाड़ा में खंडी नीचे सफाई व्यवस्था से जुड़े कई कर्मचारियों का कोरोना योद्धाओं के रूप में सम्मान किया गया, जिसका आयोजन यहां के युवाओं ने किया था। इन युवाओं ने पहले तो घर घर जाकर मास्क का वितरण किया। करौली जिला मुख्यालय पर युवा इमरान बुखारी व यूथ सरकार द्वारा शहर की विभिन्न स्थानों पर दीवारों पर स्लोगन लिखे, लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया। विभिन्न स्थानों पर पक्के रंगों से कोरोना के प्रति जागरूकता से संबंधित स्लोगन लिखे गए। करौली में युवा इमरान बुखारी व युवा सरकार द्वारा शहर में मास्क और साबुन वितरित किए गए एवं लोगों को बार बार हाथ धोने और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी। दोनों युवाओं द्वारा कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। करौली में सामान चिकित्सालय में भर्ती मरीज मनीष को एक यूनिट रक्त की आवश्यकता थी तथा ऐसी स्थिति में फैमिली में कोई रक्त देने लायक नहीं था, जिसकी जानकारी अध्यक्ष शर्मा को लगते ही अपनी ड्यूटी छोड़कर रक्तदान करने पहुंचे और अपने जीवन काल का 5 बार रक्तदान किया। करौली में सामान्य चिकित्सालय में पीड़िता को रक्त की आवश्यकता की जानकारी मिलने पर स्काउट गाइड के स्थानीय संघ सचिव अभय शास्त्री अपने दल गाइडर पुष्पा के नेतृत्व के रोवर रेंज को लेकर ब्लड बैंक पहुंचे तथा रोवर सोनू मानी ने एक यूनिट रक्तदान कर शशि राजौरिया की जान बचाई। करौली में रोवर रेंजर्स स्वयं के द्वारा तैयार किए गए 400 मास्क स्काउट गाइड कार्यालय करौली को भेंट किए गए। इनके सम्मान में स्थानीय संघ उप प्रधान नगेंद्र शर्मा ने खाद्य सामग्री भेंट की तथा मास्क क्वालिटी को परखा। सभी की सराहना कर कहा कि आप अपने जीवन में स्वरोजगार कर सकते हैं। करौली जिले के मंडवायल उपखंड में स्थित गौशाला में युवा टोनू राजौरिया द्वारा अंधी व विकलांग गायों के लिए 50 किलो आटा, एक ऊंट गाड़ी, चूड़ा व 2 गुड़ की बेली उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान युवा सौरभ समाधिया का भी सहयोग रहा। जैसलमेर जिले के भणियाणा उपखंड के ग्राम इंद्रानगर में इन दिनों पेयजल की किल्लत है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोग टैंकरों से महंगे दाम में पानी खरीद रहे हैं, वहीं कई स्थानों पर जलदाय विभाग की पेयजल लाइनों से अवैध कनेक्शन करके पानी व्यर्थ बह रहा है। छिपाबड़ो दुखन क्षेत्र में 11 kV बिजली लाइनों से लगातार बढ़ती जा रही समस्याओं को दूर करने की मांग को लेकर किसान महापंचायत राजस्थान प्रदेश छिपाबड़ो तहसील के किसान पदाधिकारियों ने बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर सहायक अभियंता रामराज मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। छिपाबड़ो दुखखंड के हरना वदाशाह जी कस्बे में गर्मी व लॉकडाउन की पालना करते हुए लोग जहां कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, वहीं इस समय जब पानी की अत्यंत आवश्यकता है, ऐसे वक्त में जलदाय विभाग द्वारा की जा रही भारी लापरवाही से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छिपाबड़ो दुखखंड की ग्राम पंचायत गगचाना सरपंच द्रौपदी बाई धाकड़ ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि ग्राम गगचाना में भबोरी घाटा तक मुख्य सड़क पर लोगों ने कटीली झाड़ियां लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें आसपास के गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। स्कूल प्रशासन ने भी पंचायत प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग की। इधर सरपंच का कहना है कि पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ लोग अतिक्रमण हटाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। सूरतगढ़ लॉकडाउन में मिली छूट के चलते आज सूरतगढ़ बाजार सुबह 10 बजे पूर्ण रूप से खुला, दुकानें भी लगी, लेकिन दुकानदार ग्राहकों को ढूंढते नजर आए। सब्जी मंडी जैसे स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जिया उड़ती नजर आई। जैसलमेर में 24 घंटे का सफर तय कर जैसलमेर से रायबरेली और अमेठी के लिए रवाना हुए प्रवासी मजदूर अपने घरों तक पहुंच गए। घर पहुंचने का आत्मिक संतोष उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अमेठी पहुंचे प्रवासियों ने कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद, निशुल्क बसें उपलब्ध कराने वाले भामाशाह अशोक तंवर, भोजन की व्यवस्था करवाने वाले नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला का आभार व्यक्त किया। देसुरी उपखंड के डायलाना ग्राम पंचायत में ग्रामोदय सामाजिक संस्थान द्वारा HCL फाउंडेशन के सहयोग व उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत की प्रेरणा व आदेश से अभावग्रस्त व जरूरतमंद लोगों को सायथार्थ के 25 खाद्य सामग्री किटों का वितरण किए गए। जोधपुर जिले के देजी उपखंड के छोटे से ग्राम कनौड़िया मान सिंह निवासी कुंभाराम मेघवाल ने मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले 3 अस्पतालों में पॉजिटिव मरीजों के ब्लड सैंपल लेकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।